हूं अमित और भाई नॉर्मल शूज तो हर कोई पहनता है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसमें कि आ जाए मजा, और भाई कुछ ऐसा जूता बनाया जाए जो कि किसी ने सोचा भी नहीं हो और जो कि बिल्कुल यूनिक हो। तो भाई आज हम ऐसा ही जूता बनाने वाले हैं, और ये जूता बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे टेपिंग का, जो कि है यहां पर हमारे पास में बहुत सारी अलग अलग तरीके की टेप, जो कि सेलो टेप ब्राउन कलर की है, नॉर्मल ट्रांसपेरेंट वाली है, और कोशिश करेंगे कि इस टेप से जूता बनाने की, और फिर टेस्ट करेंगे कि क्या हम उस जूते में चल सकते हैं, वो जूता पैर में कैसा फील होता है, चलने में कैसा फील होता है, अलग अलग जगह चलेंगे, मैं तो सोच रहा हूँ कि पहाड़ पे भी चढ़ जाएंगे इसको पहन के, और देखेंगे कितना ग्रिप दे रहा है जूता, चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, एकदम डिफरेंट सी चीज़ है। और मुझे उम्मीद है कि आपने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा होगा, तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से ठोक देना, और भाई आज की वीडियो का टारगेट है 5 लाख लाइक्स का। यार आप लोगों के लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो अपने छोटे भाई के लिए जल्दी से जो लाइक का बटन है वो अभी की अभी ठोक दीजिए। भाई सारा जो काम करते हैं वो आप लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करो। दोस्तों मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना अकेला फील करने की जगह, अकेला ऐसा जूता पहनने की जगह, साथ में इनको भी पहनाया जाए, तो तीनों लोग बढ़िया से बता पाएंगे ना। तो फटाफट से अब जो टेप है उनको लपेटना शुरू करते हैं। हमने हमारे जो चप्पल जूते हैं वो निकाल दिए हैं, और देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अभी रुक जाओ, अभी पहले मैं लपेटता हूँ फिर तुम लोग लपेटना। गाइस जैसे कि एक टेप दे दो मुझे नॉर्मल, मैंने ये टेप ली जो कि है आई थिंक 3 इंच की, और भाई साहब यहाँ पर ये जो टेप है ना यार, ये हमेशा मेरे को मिलता ही नहीं है, मिल गया इस बार तो मिल गया, और यहाँ पर इस टेप कट मत करना, चलने दो, कंटिन्यू चलने दो। गाइज पता है ऐसी ऐसी चीज़ें वीडियो में होती रहती है, ज़्यादातर तो हम लोग कट कर देते हैं, लेकिन आपको भी देखने को मिलेगा कि क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। ओए गाइज यहाँ पर बाल हैं देखो मेरे पैर पे, ओ और इस पे मैं चिपकाना नहीं चाह रहा यार, कुछ पेपर वेपर लगा लूँ क्या, उतरते टाइम दिक्कत करेगा बट कोई बात नहीं। तो गाइज कुछ इस तरीके से, अरे यार ये तो बहुत टाइट होने वाला है, क्योंकि जो टेप है, हैं नहीं 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 लगाएंगे, क्यों नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो निकलेगा नहीं ना, ये तो ऑब्वियसली परमानेंट है, टेप का जूता निकलेगा कैसे ऐसे ही, तो यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जा रहा है, पर कोई बात नहीं करना यही पड़ेगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से देखो, ये तो आगे का पोर्शन बन गया, अब साइड का पोर्शन बनाने के लिए इस तरीके से तो घुमाओ ना यार, मैं से घूम नहीं पा रहा है सही ढंग से, और एक ऐसे और जैसे जैसे अपना सैंडल होता है ना उस तरीके से ऐसे करके ऐसे, हाँ गाइस गाइस अब पूरा जूते, अरे आराम से इतना टाइट मत करो अब मेरे को पूरा जूते वाला भी, अब तू अपना लगा ले, अब मैं कर लूंगा ठीक है। ओए गाइस अब मेरे को पूरा जूते वाला फील आ रहा है, और यहाँ पर दिखने भी लग गया है कि जो जो पैर है उसके ऊपर कुछ लगा हुआ है। ओए यार बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा इसमें तो गाइस, ओए यार बड़ी ही अजीब सा फील क्या कर रहे गाइस, मेरे को हंसी आ रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन यार एक बात बताऊं, आइडिया बड़ा ही डिफरेंट सा है, ये ऐसा फील आ रहा है जैसे प्लास्टर कर रहे हो ना पैर को, पैर बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पा रहा भाई, एकदम पलिया एक वो रख ले, एक वो ईंट ईंट एक ईंट लेके आना इसके यहाँ इसके पैर में दर्द हो रहा है, ये हटा इसको ऐसे लोग सुनेंगे तो हो गया। गाइस मेरे जूते तैयार हो गए हैं, इनके भी हो जाने देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं फाइनली। तो भाई यहां पर हमने कोशिश करी है अलग अलग तरीके के जूते बनाने की और देखो मैंने कोशिश करी है जूती बनाने की, या जो भी आप कहना चाहो, और ये देखो काफी लंबे लंबे साइज के मैंने बनाए हैं, मैं आपको अगर अभी खड़ा होकर दिखाते हैं यार,
और आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके का आगे जो है इसमें चोंच सी निकली है। ये डिजाइन मेरे खुद के दिमाग में आया गाइज। यहाँ पर ये वाले जो जूते हैं ये हमने बूट्स की तरह बनाए हैं और यहाँ पर ऊपर हमने इसके देखो लेसेस और फीते भी बनाने की कोशिश करी है व्हाइट कलर के टेप से। और ये यार सबसे ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, एक बार खोल के दिखाना है इसको देखो। और ये जो मोहित के शूज है ना, खोल के नहीं मतलब घुमा के कैमरा को ये वाले देखो यार गाइस, हंस हंस के पागल हो गए यार। ये बनाते टाइम सच्ची में इतनी हंसी आई बस क्या बताएं। और ये जो है अब मुझे नहीं पता ये कौन सा बनाया तूने, कौन सा जूता है मुझे लगता है सबसे ज्यादा टेप इसी ने इसमें लगी है गाइस। मोहित की जो टेप है वो सबसे ज्यादा लगी है और मेरे जो जूते हैं वो सबसे ज्यादा मुझे तो मस्त लग रहे हैं यार। तेरे सबसे बढ़िया किसके लग रहे हैं बताना जरा, बताओ सबसे बढ़िया जूते किसके लग रहे हैं? अगर डूब के मर जाते तेरे जूते देख के छोटी कैसे इनसे पूछते हैं, अबे यार ये कैसे रह गई, अरे छोटी बड़ी कैसे रह गई है गाइस सॉरी ये जो है थोड़ी सी छोटी बड़ी रह गई है। देखो इसमें लगभग 1.5 इंच, यार 1.5 इंच में क्या फर्क पड़ता है यार जूते में भाई। मान लो आपका जूता 1.5 इंच बड़ा आ गया, क्या फर्क पड़ गया? नहीं मेरा ठीक है, मुझे नहीं काटना इसको। तो अब जो है देखते हैं खड़ा होके तुमको कौन से जूते सबसे बढ़िया लग रहे हैं बताओ। तो ये वाले लग रहे हैं, ये वाले गाइज देखो यहाँ पर तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, 1, 2, 3। आप लोग नीचे कमेंट्स में बताओ कि किसके जूते आपको सबसे बढ़िया लगे। आप अभी थोड़ा और भी देख लो और अब भी कमेंट करके बताओ 1, 2, 3। देखते हैं कौन जीतता है यहाँ पर, ठीक है? तो आप जो है खड़ा होकर के देखते हैं कि इसमें कैसा फील होता है। और एक चीज आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि भाई सब जो पांव है ना वो अंदर बिल्कुल जकड़ा हुआ है, बिल्कुल टाइट हो गया। शुरू में तो इतना अजीब लग रहा था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा जैसे कस दिया हो, और मन कर रहा था खोल दे पैर हिल नहीं पा रहा। लेकिन अब जो है थोड़ी सी आदत पड़ चुकी है लगभग 15 मिनट में, और अभी भी देखो कभी कभी लगता है कि खोल दूँ अंदर अजीब सी वो होती है जब वो बंद होता है ना, अंदर ऐसा फील होता है कि यार बस 1 सेकंड के लिए खोल दे, लेकिन हम वो कर नहीं सकते। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसा पैर में प्लास्टर होता है ना वैसा भी कुछ फील आ रहा है कि जकड़ गया, और इसका तो जो है प्लास्टर ही बन चुका है ये तो यहाँ पर अब जो है देखते हैं कैसा ये फील होता है। और ओए क्या हुआ? अरे नहीं अपने आप खड़ा होने चलेगा कैसे खड़ा? क्या हुआ नहीं हुआ जा रहा। जो पैर है ना वो एक्चुअली में फंस गया है इसके अंदर, इसीलिए दिक्कत आ रही है। अरे यार बाल खींच रहे मेरे बहुत तेज। और गाइस यहाँ पर यार गाइस क्या बात है, बिल्कुल ऐसे रॉयल फील आ रही है जैसे मतलब कहीं के राजा है ऐसा चलने में फील आ रही है। और ये मैं नहीं कर रहा, जूते जो है ना वो ऑटोमेटिक ऐसे उठते हैं और ऐसे चलते हैं। ये जो मेरी चाल है ना ये मेरी चाल नहीं है, ये अपने आप इन जूतों की वजह से बन गई है। गिर जाओगे रहने दो। ओए यार ओए बहुत तेज खींच रहा है सच्ची में गाइस, जो पैर है वो बहुत तेज खींच रहा है यार। ठीक है यार ऐसे तो ओ कैसा लग रहा है? बढ़िया। यहाँ से वहां तक रेस करते हैं तीनों लोग, यहाँ से वहां तक कौन जीतता है? चलो इन 3, 2, 1 हवा में उछल के ही जो है सीढ़िया उतर रहा हूँ यहाँ पे। ओए गिर मत जाना गिर मत जाइए। तो भाई हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, इस साइड में पहाड़ है यहाँ पर, और अभी फिलहाल हम लोग रोड पर हैं। तो पहले थोड़ा सा रोड पर चल करके देखते हैं, अभी तक जो है ठीक फीलिंग आ रहा है। बस समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है कि जो पैर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब भिचा हुआ है यार, एकदम ऐसे टाइट हो रखा है ये बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ में पूरा कसा हुआ भी है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। पैरों में दर्द हो गया यार अब तो, यहाँ तक आते आते तो मेरे तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो अब हम लोग इस साइड में जा रहे हैं और इधर पहाड़ है, तो आप जो है कच्चे रास्ते पर आ जाते हैं जहाँ नीचे मिट्टी है, और यार यहाँ तो ज्यादा खिंचाव होता है। ओह
गाइस अब ऊपर चढ़ना है इनको पहन के। यहाँ पर जो कंकर पत्थर है ना वो इतना ज्यादा नहीं चुभ रहे हैं पैर में, क्योंकि नीचे काफी मोटी टेप की लेयर है। अरे ये चीटिंग है गाइस, मुझे बिल्कुल नहीं पता था जब इंट्रो बना रहे थे शुरू में, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि ये जूते पहन के पहाड़ पे भी चढ़ेंगे, लेकिन जब चढ़ रहे हैं ना तो ना नहीं याद आ रही है सच्ची में। गाइज हम लोग अब पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके हैं और पता है हम दो ही लोग आ पाए हैं। मोहित नहीं आ पाया, नीचे जो है फंसा हुआ है। मोहित आ रहे क्या? नहीं, क्या हुआ? नहीं आ, नहीं चला जा रहा। गाइज वो फंस गया, लेकिन हम लोग जैसे जैसे कांटा लग गया यार, जैसे कैसे दर्द झेल के यार। देखो गाइज, देखो ये रहा, देखो ये जो कांटा है ना ये इसमें घुस गया और मेरे को ये दर्द कर रहा था, छोटा सा काटा। तो भाई साहब टेप के जूते हमने बना दिए, बना करके हम पहाड़ भी चढ़ गए जैसे कैसे करके, लेकिन यार बड़ा ही पेशेंस रखना पड़ता है इसको पहनने के लिए, नहीं तो पता अंदर पूरा पैक ऐसे, पूरा जो पैर है वो पूरा पैक हो रखा है, जाम हो रखा है पैर, और बहुत ही बेचैनी सी फील होती है कि हम जो इसको खोल दें। तो भाई अब है वही बारी, और भाई इसको बड़े ही ध्यान से काटना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो जूता है वो कुछ हद तक तो भाई साहब खुल गया है। गाइस मोहित वहाँ आ गया, क्या खोल लिया? हमको लगा तूने खोल लिया। क्या कैसे चढ़ गया है अब? बड़ा स्लो है, हमने तो जूते खोल लिए हमारे। तो गाइस यहाँ पर जूते हमने खोल लिए, लेकिन वापस से चिपका लिए हैं थोड़े थोड़े ताकि हम लोग नीचे उतर सके। तूने क्यों नहीं खोला? दोनों खुल गए? एक क्यों खोला? तो एक से कैसे उतरेगा? चलो कोई नहीं, जो भी है। तो गाइज ये चीज़ यार एक बिल्कुल यूनिक सी चीज़ थी, बनाने में बहुत ही मज़ा आया, पहनने में बहुत ही मज़ा आया, लेकिन यार दर्द भी बहुत हुआ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको आया मज़ा इस वीडियो में तो लाइक ज़रूर से ठोक देना, एकदम मस्त माहौल है, मस्त हवा चल रही है यहाँ पर। यार प्लीज़ लाइक कर देना भाई इस वीडियो के लिए, बिना लाइक के मत जाना, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पहाड़ पर आना वसूल हो गया ना, माहौल बढ़िया है यहाँ पर।